गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बेटा, बताओ एक बार ऑनलाइन। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। कहां तक टॉपिक लिया था मुझे बताओगे बेटा एक बार? डिफरेंसेस चल रहे थे आईसीआई, है ना, क्लब वाला कराएंगे। एक बार कोई भी डॉक्यूमेंट खोलते हैं, चलो रीसेंट वाला खुल जाएगा। पार्टनरशिप को ओनरशिप तक ले लिया था शायद, है ना। अच्छा क्लब बचा है और लास्ट में एसोसिएशन बचा है। क्लब भी एक तरीके का एसोसिएशन होता है, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के लास्ट में रखा था। क्लब देखो, क्लब होता क्या है, सपोज करो मैंने एक क्लब की मेंबरशिप ले ली बेटा। नहीं मेरा कोई बर्थडे नहीं था भाई, किसने लगा दिया इस पे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। 6 अगस्त। अच्छा इसमें देखो क्या है, क्लब क्या होता है वो सुनो पहले। क्लब की सपोज करो मैंने मेंबरशिप ले ली, मतलब क्या होगा कि मैं मेंबरशिप मनी दूंगी, सब्सक्रिप्शन मनी दूंगी, बदले में जो क्लब की फैसिलिटीज है वो मैं यूज कर सकती हूँ। यूजुअली क्लब दो पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, या तो होते हैं आपके हेल्थ क्लब या फिर होते हैं आपके रिक्रिएशन यानी एंटरटेनमेंट के लिए क्लब्स बनाए जाते हैं। इनका जो ऑब्जेक्ट होता है, इट इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट बट इज टू रेंडर द सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, रेंडर द सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। इसके लिए आपके क्लब वगैरह बनाए जाते हैं। क्लब में मेंबर्स में कम और गो बट द क्लब विल गो ऑन परपेचुअल सक्सेशन है, जैसे अपने कंपनी में होता है। और मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है कहां तक, सब्सक्रिप्शन मनी तक। कल को मान लो कि क्लब की प्रॉपर्टी में आग लग गई, तो क्या क्लब मुझसे मांग सकता है क्या? मेरी लाइबिलिटी सिर्फ कहां तक है, सब्सक्रिप्शन मनी तक, उससे आगे मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और जो क्लब में होते हैं बंदे उनको बोलते हैं मेंबर्स, पार्टनरशिप वालों को बोलेंगे पार्टनर्स। डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस आ रहा है डेफिनेशन, ये याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या लिखाना, सेक्शन 4 वाली डेफिनेशन जो याद की थी ना, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन अराइजेस बाय एग्रीमेंट, कैरीज ऑन बिजनेस, शेयरिंग द प्रॉफिट अराइजिंग देयर ऑफ, बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यही याद किया था अपन ने, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, क्लब इज एन एसोसिएशन फॉर्म विद द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉट द अर्निंग प्रॉफिट बट प्रमोटिंग सम बेनिफिशियल पर्पस। आप याद करो दो तरीके के क्लब कौन से, या तो हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए या फिर रिक्रिएशन पर्पस, रिक्रिएशन मतलब एंटरटेनमेंट पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, रिलेशनशिप की बात करें तो जो बंदे पार्टनरशिप कर रहे हैं उनको क्या बोलोगे बेटा, पार्टनर्स। और वो क्या होते हैं, एक दूसरे के एजेंट होते हैं। दूसरी तरफ जो बंदे क्लब फॉर्म कर रहे हैं दीज आर द मेंबर्स, और मेंबर एक दूसरे के एजेंट नहीं होते, मेंबर्स एक दूसरे के एजेंट नहीं होते। नेक्स्ट आ रहा है इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, पार्टनर हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। आपको लास्ट टाइम पे मैंने लिखवाया था पार्टनरशिप प्रॉपर्टी ज्वाइंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन विच ऑल द पार्टनर्स हैव कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, लिखा था ना, मतलब पार्टनर हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। दूसरी तरफ क्या लिखा है, एक मेंबर का क्लब की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, एक मेंबर का क्लब की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कल को एक बंदा दिवालिया हो जाए, एक मेंबर दिवालिया हो जाए, तो क्या क्लब की प्रॉपर्टी बेच के कर्जे चुका सकता है क्या? नहीं ना। और एक क्लब दिवालिया हो जाए तो क्या मेंबर से सब्सक्रिप्शन मनी से ज्यादा मांग सकता है? नहीं मांग सकता। दोनों साइड लाइबिलिटीज कैसी हैं, लिमिटेड है। आगे क्या आ रहा है देखो, डिसोल्यूशन। आपको एक पॉइंट मैंने लिखवाया लास्ट टर्न पे, जनरली डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर इज अ ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एक्टिव पार्टनर की बात चल रही थी कि अगर उसकी डेथ हो गई और वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया या फिर इनसेन हो गया, तो क्या होगा, पूरी फर्म डिसॉल्व होती है। अगर बाकी चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे, बाय डूइंग अ फ्रेश एग्रीमेंट, एक बार तो डिसॉल्व होती है अदरवाइज, ठीक है। तो यही लिखा है, चेंज इन पार्टनर्स विल इफेक्ट द एग्जिस्टेंस, जबकि क्लब में परपेचुअल सक्सेशन है, मेंबर्स में कम और गो बट द क्लब विल गो ऑन, चेंज इन मेंबरशिप ऑफ क्लब विल नॉट इफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्लियर है यहां तक? अब यही चीज यहां एक एसोसिएशन करके और आ रहा है, क्लब में भी वर्ड आया था एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब एक और दिया हुआ है डिफरेंस लास्ट में दो पॉइंट का, जो मुझे नहीं लगता कि वो पूछेगा कभी भी, लेकिन एक टॉपिक दिया है तो मुझे पढ़ाना है। मीनिंग की साइड सिर्फ क्या लिखा ना, सेक्शन फोर की डेफिनेशन, ठीक है। दूसरी तरफ एसोसिएशन में क्या लिखोगे, इट इवॉल्व आउट ऑफ सोशल कॉज, इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। अभी तुमने पढ़ा क्लब में भी, मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। द इंटेंशन इज नॉट टू एंटर इन टू बिजनेस फॉर गेन, यहां इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होता, मेंबर्स को सर्विसेज देना होता है, मेंबर्स को सर्विसेज देना होता है। पार्ट हाँ वेलफेयर वाले ही होते हैं बेटा, ये सारे एनपीओ वाले हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट। चैरिटेबल सोसाइटी, रिलीजियस सोसाइटी, ये आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन नहीं होती क्या, ये ट्रेडर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ये सारे इसी के एग्जांपल है। ये देखो चैरिटेबल सोसाइटी, रिलीजियस एसोसिएशन, म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी, इनका काम प्रॉफिट कमाना थोड़ी ना है, तो सोशल कॉज के लिए बनाई जाती है। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, कुछ लोग एसोसिएट हो गए, जुड़ गए, एक ग्रुप बना लिया, दिस इज एसोसिएशन। पार्टनरशिप भी एक तरीके की एसोसिएशन ही है, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, लेकिन उसके साथ उसमें और भी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, बेसिकली म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल कोई भी पार्टनरशिप का आप डाल सकते हो, इतने सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं आपने, आगे भी पढ़ोगे पार्टनरशिप के। तो एक्स और वाई ने पार्टनरशिप की, 100 बेल्स ऑफ कॉटन खरीदेंगे, आगे जाकर उनको बेच देंगे, प्रॉफिट होगा उसको क्या करेंगे आपस में बांट लेंगे, दे आर द पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप का कोई डाल ही सकते हो, यहाँ पे चैरिटेबल सोसाइटी, रिलीजियस सोसाइटी, ट्रेड प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ये इसके एग्जाम्पल है, पूछेगा नहीं वो जान सके ऐसा, क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं है डेफिनेशन और सीधे एग्जाम्पल। हम क्या लेने जा रहे हैं, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। क्लब और एसोसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है, क्लब भी एक तरीके की एसोसिएशन है, एसोसिएशन एक बड़ा शब्द है, एसोसिएशन एक बड़ा शब्द है, हर एसोसिएशन क्लब नहीं होती, लेकिन हर क्लब एक एसोसिएशन है, ठीक है। अब अपन क्या लेने जा रहे हैं, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप लेंगे बेटा, कॉपी निकालो अपनी फटाफट एक बार, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। Kinds of या types of partnership, दो criterias के according हम इसे classify करेंगे। पहला हम लेंगे with regard to duration और दूसरा लेंगे with regard to business। दो क्राइटेरिया है, इन दो तरीके से हम इन्हें क्लासिफाई करेंगे। विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, ड्यूरेशन मींस टाइम पीरियड। ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग दो तरीके के होंगे, एक होगी तुम्हारी पार्टनरशिप एट विल, एक होगी तुम्हारी पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर क्लासिफाई करो, दो तरीके की है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप जनरल पार्टनरशिप। ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन है जो हमें समझना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो दो तरीके के हैं, कौन कौन से, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड। अगर पार्टनरशिप एट विल की बात करूं
पार्टनरशिप एट विल कौन सी हुई तुम्हारी? विल का मतलब क्या होता है? डिजायर, इच्छा। पार्टनरशिप एट विल होती है जिसके अंदर कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। आपकी इच्छा है तब तक आप फर्म को चलाओ और कभी भी आप इसे खत्म कर सकते हो बाय गिविंग सिंपल नोटिस, नोटिस टू अदर पार्टनर्स। पब्लिक नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ किसको नोटिस देना है बेटा? पार्टनर्स को नोटिस देना है और ये खत्म हो जाएगी। दो चीजें पूरी हो जाए तो पार्टनरशिप एट विल मानी जाती है। क्या सेक्शन नंबर चलेगा इसमें? 7। दो नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, दो बातें पूरी होनी चाहिए तो पार्टनरशिप एट विल मानी जाती है। पहला, टाइम ड्यूरेशन इज नॉट फिक्स्ड। कोई समय सीमा नहीं दी हुई है कि फर्म को कब तक चलाना है, तो वो कैसी होती है? पार्टनरशिप एट विल, ठीक है? नो टाइम लिमिट इज गिवन। सेकेंडली, नो प्रोविजन एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। नो प्रोविजन एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। आपको पता नहीं है कि फर्म का बिजनेस कब डिटरमाइन करेगा, यानी फर्म का बिजनेस कब खत्म होगा, यानी कि अगेन वॉन्ट टू से टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। आपको नहीं पता कि फर्म कब तक चलेगी, आपको नहीं पता कि फर्म का बिजनेस कब डिटरमाइन करेगा, मतलब कब खत्म होगा। जस्ट वॉन्ट टू से टाइम लिमिट इज नॉट फिक्स, और टाइम लिमिट फिक्स नहीं है तो हमेशा किसमें जाएगा? पार्टनरशिप एट विल में। और इसे डिसॉल्व कैसे कर सकते हो? बाय नोटिस, और वो नोटिस पब्लिक नोटिस भी नहीं है, इट इज नोटिस टू ऑल अदर पार्टनर्स। नोटिस दे करके आप इसे क्या कर सकते हो? यू कैन डिसॉल्व इट। यही कहता है हमारा पार्टनरशिप एट विल। अब दूसरा कौन सा आया बेटा? पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड। यहां पर टाइम लिमिट फिक्स है, टाइम ड्यूरेशन इज फिक्स, नाम से ही पता चल रहा है। टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड। ए और बी ने हमारे साल भर के लिए पार्टनरशिप की, ए और बी ने साल भर के लिए पार्टनरशिप की। कैसी पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड। अब सपोज करो बेटा, साल भर के बाद भी वो इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हैं। की थी एक साल के लिए, पर साल भर के बाद भी आप उसे कंटिन्यू करते हो, तो इफेक्ट विल बी लाइक पार्टनरशिप एट विल। अब इसे पार्टनरशिप एट विल माना जाएगा। समझ आई चीज की नहीं? बताओ, साल भर के लिए पार्टनरशिप की, साल भर बाद भी कंटिन्यू करते हो, इफेक्ट लाइक पार्टनरशिप एट विल। अब आप जब चाहो इसे खत्म कर सकते हो बाय गिविंग नोटिस। ये दोनों क्लियर है सबको? बताओ लास्ट तक, ठीक है? हाँ, पर्पस नहीं, पर्पस के अकॉर्डिंग बिजनेस में जाएगी। अभी सिर्फ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखो, टाइम पीरियड फिक्स नहीं है तो इसमें, और टाइम पीरियड फिक्स है तो इसमें। मैंने किसके अकॉर्डिंग किया है क्लासिफाई? ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड। अब आ जाओ इसके अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग। बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है तुम्हारा? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसके लिए? इट इज फॉर पर्टिकुलर इवेंट, टास्क, एडवेंचर। एक पर्टिकुलर इवेंट, टास्क या एडवेंचर के लिए पार्टनरशिप की जाती है। जैसे ही वो इवेंट, टास्क या एडवेंचर कंप्लीट हो जाएगा, इट विल गेट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर इवेंट, टास्क या एडवेंचर के लिए आपने पार्टनरशिप की, जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा पर्टिकुलर आपका, ये अपने आप खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी ने पार्टनरशिप की कि हम बॉम्बे से पुणे तक रेलवे टर्मिनल लगाएंगे। जैसे ही रेलवे टर्मिनल लगाने का काम पूरा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खत्म। समझ आई चीज की नहीं? बताओ, पर्टिकुलर इवेंट, टास्क या एडवेंचर के लिए पार्टनरशिप की थी, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्या आई तुम्हारी?
जनरल पार्टनरशिप, इट इज फॉर बिजनेस एज अ होल. आप पर्टिकुलर इवेंट टास्क या एडवेंचर के लिए पार्टनरशिप नहीं कर रहे हो, आप पूरी बिजनेस के लिए पार्टनरशिप कर रहे हो. वो किस में जाती है? जनरल पार्टनरशिप. दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है. क्या बेसिक डिफरेंस है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी उस पर्टिकुलर इवेंट टास्क या एडवेंचर तक लिमिटेड रहेगी, उसके आगे नहीं जाएगी. और दूसरी तरफ अगर बात करूं जनरल पार्टनरशिप में, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स विल एक्सटेंड टू द होल ऑफ द बिजनेस, विल एक्सटेंड टू द होल ऑफ द बिजनेस, पूरे बिजनेस तक लायबल माने जाएंगे. क्लियर है कि नहीं है, बताओ मुझे. ये हमने क्या लिया अभी? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. करा दूं आईसीआई से? बोलो कर ले. चलो, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है. पूरा हम इसमें समझ चुके हैं. सेक्शन नंबर हमारा क्या चल रहा है? 7. देखो पहले क्या, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग दो हो गए, पार्टनरशिप एट विल और फिक्स टाइम पीरियड. फिर क्या, बिजनेस के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर और जनरल. सबसे पहले सेक्शन नंबर 7, दो चीजें पूरी होंगी तो पार्टनरशिप एट विल मानी जाएगी. पहला, नो फिक्स पीरियड, टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है पार्टनरशिप एट विल में, कोई टाइम लिमिट डिसाइडेड नहीं है. और दूसरा, नो प्रोविजन मेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. आपको नहीं पता कि पार्टनरशिप का बिजनेस कब एंड होगा. अगेन वॉन्ट टू से, टाइम लिमिट डिसाइडेड नहीं है. टू कंडीशंस पूरी हो जाए तो हर पार्टनरशिप को क्या माना जाएगा? पार्टनरशिप एट विल. बट वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स आइदर फॉर द ड्यूरेशन और द डिटर्मिनेशन, तो ये पार्टनरशिप एट विल नहीं हुई ना. नेगेटिव लिख दिया बस भाई. अगर टाइम लिमिट डिसाइडेड है तो पार्टनरशिप एट विल नहीं मानी जाएगी. पार्टनरशिप अगर आपने की थी किसके लिए? फिक्स टाइम लिमिट के लिए. उसके बाद भी आप उसे क्या कर रहे हो? कंटिन्यू. तो इफेक्ट कैसा हो जाता है? लाइक पार्टनरशिप एट विल. इंपॉर्टेंट लगा लेना, 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ. और ये 2 पॉइंट अच्छे से देखे आएगा ना, उस बच्चे को नंबर मिलेंगे. ये दोनों याद होने चाहिए, टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, दूसरा नो प्रोविजन एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. अब आगे क्या बोला इसमें? डिसॉल्व कैसे होगी? बाय गिविंग नोटिस. किसको? ऑल अदर पार्टनर. नेक्स्ट क्या आ रहा है? पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड. यहां पर ड्यूरेशन फिक्स्ड है, टाइम पीरियड फिक्स्ड है. Then it will be known as partnership for fixed time period. Partnership created for a particular period of time. जैसे ही वो time period खत्म होगा, automatically खत्म हो जाएगी, है ना? एक साल के लिए partnership की A और B ने, तो एक साल बाद खत्म हो जाएगी. उसके बाद भी continue रखोगे तो effect like partnership at will. पढ़ा था ना? अच्छा next क्या आया तुम्हारा? Particular partnership. Partnership may be organized. या तो एक सिंगल एडवेंचर के लिए हो सकती है, या फिर हो सकती है फॉर द कंडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस बिजनेस. सिंगल एडवेंचर के लिए है तो किसमें आ जाएगी? पर्टिकुलर पार्टनरशिप. फॉर कंडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस बिजनेस है तो किसमें आ जाएगी? जनरल पार्टनरशिप. ये स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पार्टनरशिप या तो एक सिंगल एडवेंचर के लिए हो सकती है या पूरे बिजनेस के लिए हो सकती है. आगे क्या बोला? एक पर्सन पार्टनर बना दूसरे पर्सन इन एनी पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, देन दिस इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. और जैसे ही वो इवेंट टास्क एडवेंचर कंप्लीट होगा, इट विल कम टू एन एंड, गेट डिसॉल्व्ड. यही था, जैसे ही वो इवेंट टास्क एडवेंचर खत्म होगा, डिसॉल्व हो जाएगी. क्या ये कंटिन्यू नहीं रह सकती बेटा? एक मकसद के लिए आपने किया था, मकसद पूरा हो गया तो अब कैसे कंटिन्यू करें? एक मकसद के लिए पार्टनरशिप बनाई थी, मकसद खत्म हो गया. अब दूसरा कोई ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए ना भाई. पार्टनरशिप में बिजनेस जरूरी है, तूने पढ़ा था ना. अब बिजनेस क्या है? नया होना चाहिए कुछ, है ना? और नई पार्टनरशिप बनेगी अगर बनेगी तो. नेक्स्ट क्या है? जनरल पार्टनरशिप. इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस इन जनरल, देन इट इज नोन एज जनरल पार्टनरशिप. इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्टिकुलर पार्टनरशिप. इन केस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनर्स की लायबिलिटी एक्सटेंड करती है ओनली टू दैट पर्टिकुलर एडवेंचर, बट इट इज नॉट इन द केस ऑफ
जनरल पार्टनरशिप, इट विल एक्सटेंड टू द होल ऑफ द बिजनेस, सही है कि नहीं बताओ? तो इसको हमने क्या बोल दिया कि दिस इज द जनरल पार्टनरशिप। आई थिंक सबको समझ में आ गया। टाइप्स पे अगर क्वेश्चन आ भी गया तो आराम से लिख सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट आया तुम्हारा पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है, बार बार पढ़ते आ रहे वैसे अपन, लेकिन सुनो। पार्टनरशिप अराइजेस बाय वे ऑफ एग्रीमेंट, यस और नो? ठीक है, दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और इन राइटिंग, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, पढ़ा था? तो एग्रीमेंट जो है वो तो ओरल और राइटिंग दोनों में हो सकता है, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो तो इट इज सजेस्टेड, इट इज डिजायरेबल कि आप इसे किसमें रखो, राइटिंग में रखो, ठीक है, ताकि आगे जाके कोई डिस्प्यूट ना हो। तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जब रिटन साइन रजिस्टर्ड होता है तो मैं उसे पार्टनरशिप डीड बोलूंगी, याद आ रहा है? तो इस पार्टनरशिप डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स के बीच की टर्म्स एंड कंडीशंस यहां पर मेंशनड है, और इसके ऊपर सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर होने चाहिए, डेट लिखी हुई होनी चाहिए और स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए। स्टैंप हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगती है? इंडियन स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग। स्टैंप हमेशा किसके अकॉर्डिंग? इंडियन स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही चीजें हमें यहाँ पे अभी पढ़नी है। फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं, देखो एक बार। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, नो फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड, दिस एग्रीमेंट कैन बी राइटिंग और वर्बल, वर्बल मतलब ओरल भी हो सकता है। आगे क्या बोला, इट इज डिजायरेबल कि आप इसे किसमें रखो, राइटिंग में, टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट। ऐसा डॉक्यूमेंट इन राइटिंग जिसके अंदर क्या दी हुई है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स, इस पार्टनरशिप डीड, इसको बहुत केयर के साथ बनाया जाना चाहिए, और साथ में क्या लगी हुई होनी चाहिए, स्टैंप। स्टैंप हमेशा किसके अकॉर्डिंग? स्टैंप एक्ट 1899। पार्टनरशिप अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, रजिस्ट्री भी कंपल्सरी है, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। मैंने तो सीधा ही बोल दिया था तुम्हें, रिटन साइन रजिस्टर, तभी उसे क्या बोलते हैं अपन, डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको, वो यहाँ पे आ रही है। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप पहले क्या बताओगे कि आपकी फर्म का नाम क्या है, आपकी फर्म जो है उनके कौन से पार्टनर्स है, उनके पार्टनर्स के नेम बता दो, आपकी फर्म जो बिजनेस करेगी उसका नेचर कैसा है और कहां पर करेगी, किस दिन से आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी। अगर आपकी पार्टनरशिप फिक्स टाइम पीरियड के लिए है, यानी कौन सी हो गई, पार्टनरशिप फॉर फिक्स टाइम पीरियड, ठीक है, अगर है तो ड्यूरेशन भी बता दो कि आपने कितने समय के लिए पार्टनरशिप की, अगर है तो यहां लिख सकते हो इफ एनी, जरूरी नहीं है कि ये हो, पार्टनरशिप एट विल भी होती है। दोनों रेशियोज बताने, कैपिटल रेशियो और पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुराना पार्टनर गया या नया पार्टनर आएगा तो कैसे आएगा, इंटरेस्ट की रेट क्या रहेगी कैपिटल पर, ड्रॉइंग्स पर, लोन्स पर। कल को आपकी फर्म डिसॉल्व हो गई तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट किस तरीके से किया जाएगा, सैलरी या कमीशन देंगे पार्टनर्स को या नहीं देंगे, एक पार्टनर को निकालना है या नहीं निकालना है। अच्छा देखो, नीचे के दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है डीड में, ये दो पॉइंट तो होने चाहिए, कौन कौन से? अगर डीड में नहीं लिखा है तो आप पार्टनर को सैलरी नहीं दे पाओगे ना, तो डीड में सैलरी के बारे में तो बताओगे ना, सैलरी और कमीशन पेबल टू द पार्टनर, तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें यहां देनी पड़ेगी। और दूसरा क्या बोला, प्रोविजन फॉर द एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर, एक पार्टनर को आप फर्म से निकालना चाहते हो, एक पार्टनर को आप फर्म से निकालना चाहते हो तो तभी निकाल सकते हो जब डीड में लिखा हो, ठीक है ना, तो यहां पर प्रोविजन होना जरूरी है। तो आखिरी के दो पॉइंट जरूरी है। बेसिकली बताऊं क्या क्या पढ़ा, क्योंकि सारे याद ना हो तो भी मेजोरिटी याद रहना चाहिए। फर्म का नाम क्या है आपका, पार्टनर्स की डिटेल, फर्म क्या बिजनेस करेगी, उसका नेचर और प्लेस, ठीक है, दोनों तरीके के रेशियोज आपको देने हैं, प्रॉफिट शेयरिंग और कैपिटल रेशियो देना पड़ता है, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, इंटरेस्ट की क्या रेट रहेगी, ठीक है, और याद रहेंगी चीजें कि नहीं रहेंगी बताओ मुझे बेटा। दो चीजें आनी जरूरी है जो मैंने बोला, क्या, एक तो सैलरी और कमीशन अगर पे कर रहे हो पार्टनर्स को तो उसकी डिटेल, और एक एक्सपेंशन की, क्योंकि अगर ये नहीं लिखी है पार्टनरशिप डीड में तो ये काम करना बहुत मुश्किल है, कर ही नहीं पाते। एक्सपल्शन मतलब निकालना,
एक पार्टनर को फॉर्म से निकाल रहे हैं, रिटायरमेंट मतलब अपनी इच्छा से जाता है, एक्सपल्शन में उसको निकाला जाता है, दोनों में डिफरेंस है, निकाल रहे हैं। और ये पूरा प्रोविजन आएगा सेक्शन 33 जो कि बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी यूनिट नंबर 2 में। यहाँ पे एक्सपल्शन का मतलब क्या है वही बताया मैंने, क्या लिखा हुआ है कि अगर वो अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट में काम करेगा, अगर वो फ्रॉड करेगा तो उसे निकाला जा सकता है। कोई भी पार्टनर अगर अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट में काम करेगा या फिर फ्रॉड करेगा तो उसे निकाला जा सकता है। निकालना बहुत मुश्किल है, एक सेक्शन लगता है सेक्शन 33 यूनिट 2 में डिटेल में पढ़ाऊंगी, उसकी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं तभी आप एक पार्टनर को फर्म से निकाल सकते हो। उसकी पहली शर्त कहती है एक्सप्रेस प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड, डीड में लिखा हुआ होना चाहिए तभी निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे, तो डीड में देना जरूरी हो गया ना। मैंने कहा ये पॉइंट आना जरूरी है, याद रहेगा क्या बताओ। अब फर्म अपनी जैसी भी उसकी फर्म का नेचर हो उसके अकॉर्डिंग कुछ एडिशन या डिलीशन करना चाहे तो कर सकती है। क्या लिखा है देखो, पार्टनरशिप फर्म में एड और डिलीट एनी प्रोविजन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, जैसे ड्यूरेशन नहीं है पार्टनरशिप एडविल वाला हटा देगा, आपके पॉइंट हटा देगा ना, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख लोगे, कर सकते हो। बाई एग्रीमेंट, बाई एग्रीमेंट हाँ सबके साइन होने चाहिए। नहीं नहीं इसके बारे में बात कर रहे हो ना, अच्छा पार्टनरशिप डीड में चेंज करना चाहते हो, डीड में चेंज करना चाहते हो तो प्रोसीजर ये है कि अगर छोटे लेवल का चेंज है तो आरओसी को इंटीमेट कर दो पार्टनर्स, चल जाता है। बड़े लेवल का चेंज है तो दोबारा से पूरा प्रोसेस पढ़ाऊंगी यूनिट नंबर 3 रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, डीड बनती कब है वो वहां आएगा, अभी यहाँ पे सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन चलेगा यूनिट 1 में। नेक्स्ट हेडिंग आ रही है तुम्हारी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, सबसे पहले आएगा तुम्हारा एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है भाई, फर्म के बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है वो एक्टिव पार्टनर है। बाहर वाले जिस बंदे को पार्टनर की तरह जानते हैं वो एक्टिव पार्टनर है। जिसका नाम पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आ रहा है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताओ, आना चाहिए, इसका नाम पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आएगा। विल ही शेयर प्रॉफिट और लॉस, यस प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग करेगा। विल ही बी लायबल टू अ थर्ड पार्टी, यस ये बाहर वालों के लिए जिम्मेदार है। जिसका नाम पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आ गया वो थर्ड पार्टी के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। रिटायरमेंट के टाइम इसको पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है। एक्टिव पार्टनर अगर रिटायरमेंट के टाइम पब्लिक नोटिस नहीं देता तो वो रिटायरमेंट के बाद भी जिम्मेदार बना रहेगा। इट्स नेसेसरी टू गिव पब्लिक नोटिस इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर की डेथ हो जाए या वो हो जाए इनसेन या हो जाए इंसॉल्वेंट, फर्म डिसॉल्व होती है, ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। पढ़ा था, हाँ क्या पूछ रहा था, पब्लिक नोटिस देने के 3 तरीके होते हैं। पहले तो सीपीटी में 3 तरीके दिए हुए थे, अब आपकी बुक से हटा दिए, मैं आप पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। 3 तरीके से पब्लिक नोटिस दिया जाता है। पहला तो अपन क्या कहते हैं, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है ऑफिशियल गजट में छपवा दो, गवर्नमेंट का सरकारी न्यूज़पेपर मान लो एक तरीके से। गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं वो कहाँ पब्लिश होते हैं, ऑफिशियल गजट में। तो अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो ऑफिशियल गजट में जाएगा ही जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को बताओगे जहां आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था। और तीसरा, एक इंग्लिश और एक वर्नैक्युलर यानी लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में छपवा दो। 3 जगह छपवाना पड़ता है, एक तो ऑफिशियल गजट में जाएगा, एक भाई रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा क्योंकि आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, और तीसरा क्या है आपका न्यूज़पेपर में छपवाओ, एक इंग्लिश और एक लोकल स्थानीय भाषा, ठीक है। और अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रार को नहीं पता था, बाकी 2 जगह देना पड़ता था, ऑफिशियल गजट में और न्यूज़पेपर। समझ आ गई चीज, तो ये चीज हमने दी है यहाँ पे। मैंने आपको क्या समझाया, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर के बाद में चलो एक बार बोर्ड पे मैं ले रही हूँ क्योंकि मेरे लिए समझाना थोड़ा इजी रहेगा, यहाँ से समझ के फिर वहां से ले लेंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स ले रहे थे, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इससे पहले पढ़े थे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, अब किसके टाइप्स पढ़ रहे हो, पार्टनर्स के। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले क्या समझाया आपको, एक्टिव पार्टनर।
ही पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म के बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, वो एक्टिव पार्टनर है. नोटिस गिवन टू एक्टिव पार्टनर डीम्ड एज नोटिस गिवन टू द फर्म. कोई चीज आपने एक्टिव पार्टनर को बता दी तो क्या मानेंगे बेटा, पूरी फर्म को पता है. इसकी डेथ और इंसॉल्वेंसी पे जनरली फर्म डिसॉल्व होती है. रिटायरमेंट के टाइम इसको पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है. अगर नहीं दिया तो रिटायरमेंट के बाद भी जिम्मेदार बना रहेगा. ठीक है, एग्रीमेंट में इसका नाम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना. प्रॉफिट लॉस की शेयरिंग भी करेगा. ये आ गया तुम्हारा एक्टिव पार्टनर. एक्टिव पार्टनर के बाद में मैं ले रही हूं स्लीपिंग पार्टनर, जिसको हम डॉर्मेंट पार्टनर भी बोलते हैं. स्लीपिंग पार्टनर या फिर डॉर्मेंट पार्टनर. इसकी जस्ट उल्टी डेफिनेशन आती है. इट डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म. फर्म के बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता. हिज एग्जिस्टेंस इज नॉट नोन टू आउटसाइडर्स. बाहर वाले इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते. इसको दी गई नोटिस या सूचना फर्म को दी गई नोटिस नहीं मानी जाएगी. इसको रिटायरमेंट के टाइम पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है. इसकी डेथ या इंसैनिटी पे फर्म डिसॉल्व नहीं होती. कुछ डिफरेंस बताएं आप, सिमिलैरिटी सुनो. पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नाम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. जिसका नाम आया थर्ड पार्टी के लिए लायबल है या नहीं है? है. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखो, प्रॉफिट लॉस की शेयरिंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा. अब इसने क्या अच्छे कर्म किए हैं? काम तो ये करता नहीं है. आपने शुरू में लिखा डेफिनेशन में डज नॉट टेक एक्टिवली पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, और अभी आप बोल रहे हो प्रॉफिट लॉस की शेयरिंग करेगा. क्यों भाई? कैपिटल लगाई है, सेठ जी है भाई, पैसे लगाए हैं. काम करेगा कौन? एक्टिव पार्टनर. काम कौन करेगा? एक्टिव पार्टनर. और प्रॉफिट लॉस की शेयरिंग ये भी करेगा. समझ आ गई चीज? इसके बाद में एक टाइप लोगे आप नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल मतलब नाम मात्र का पार्टनर है. नाम मात्र का पार्टनर. देखो इसका नाम तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आएगा. कैसे आएगा? देखो सिनेरियो क्या है वो सुनो. ये नॉमिनल पार्टनर होता है. इसके लिए मैं लिखूंगी ही लैंड्स हिज नेम टू द फर्म. ही लैंड्स हिज नेम टू द फर्म. फर्म को अपना नाम उधारी पर देता है. ही लैंड्स हिज नेम टू द फर्म. नॉमिनल पार्टनर का कोई फ्रेंड कोई रिलेटिव उसको रिक्वेस्ट करता है. क्या कहता है कि भाई तेरी ना मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल है, क्रेडिट है, रेप्यूटेशन है. अगर हमने तेरा नाम अपनी फर्म में यूज कर लिया, हमारी फर्म को इजीली मार्केट में क्रेडिट मिल जाएगा, उधारी मिल जाएगी. उन लोगों की हेल्प करने के लिए ये अलाउ करता है कि हाँ भाई तुम लोग मेरा नाम अपनी पार्टनरशिप फर्म में यूज कर लो. समझ आई चीज? अब ये नॉमिनल पार्टनर है, इसका नाम पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आएगा. He lends his name to the firm. नाम तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आएगा. ठीक है. और जिसका नाम पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आ रहा है लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, बाहर वालों के लिए जिम्मेदार भी है. ठीक है. ना तो ये प्रॉफिट लॉस शेयर करेगा, ना ही कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, ना ही बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा. स्टिल ही इज लायबल टुवर्ड्स अदर पार्टी, थर्ड पार्टी. समझ आ रही चीज? ये सिर्फ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव की हेल्प करने के लिए कर रहा है. मिलना इसको कुछ भी नहीं है. नहीं, कुछ नहीं मिलना है इसको. इसमें देखो तीन चीजें मैंने बोली. क्या? प्रॉफिट लॉस की शेयरिंग नहीं करता. लिखना चाहो तो लिख लो, नो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, नो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. ना तो कैपिटल लगाएगा, नो पार्टिसिपेशन इन बिजनेस, ना ही बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है. स्टिल लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज. आउटसाइडर के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो यही समझेगी ना कि भाई ये पार्टनर है. क्यों? एग्रीमेंट नाम आ रहा है ना, एग्रीमेंट में नाम आ रहा है. वो तो इसके नाम के भरोसे पैसे लगा रहे हैं.
ये है तुम्हारा नॉमिनल पार्टनर, इसके आगे एक पार्टनर और आ रहा है तुम्हारा, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस बेयर नहीं करेगा। इसका नाम भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आता है, बट ही इज लायबल ओनली टुवर्ड्स दिस शेयर ऑफ प्रॉफिट। इससे आप पर्सनली कुछ नहीं मंगा पाओगे, जितना इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो आप इसका रोक लोगे, बस इतना हुआ। इज लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी ओनली टुवर्ड्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस बियर नहीं करेगा। अपने दिमाग में चीज आ रही होगी, भाई माइनर है, नहीं है माइनर, माइनर नहीं है, माइनर कैन नेवर बी अ पार्टनर। ये सिर्फ बेनिफिशियरी की तरह दिखाया जा रहा है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ये माइनर नहीं है, ये आपका एडल्ट बंदा है। ये क्या है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है, ठीक है, प्रॉफिट तो शेयर करेगा लेकिन लॉस बेयर नहीं करेगा। तो ये चीज एग्रीमेंट में लिखी हुई है कि ही इज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, इज लायबल ओनली टू द शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट। इससे आप पर्सनली कुछ नहीं मंगा पाओगे, पर्सनली आप इससे कुछ भी नहीं मंगा सकते, पर्सनली लायबल नहीं होता। जैसे मान लो कि अगर आपका पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है, ठीक है, आपकी फर्म चली गई लॉस में और आउटसाइडर्स हैं वो केस फाइल कर रहे हैं, तो उस समय जो इसका प्रॉफिट का हिस्सा बनता है वो डूब जाएगा, पर आप इससे पर्सनली मंगा कुछ नहीं सकते। यूजुअली पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है बेटा, अनलिमिटेड होती है, उनकी पर्सनल असेट्स तक जाती है, इस केस में नहीं जाएगी। इस पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, दोनों वर्ड थोड़े कॉन्ट्रेडिक्टरी लग रहे होंगे। मैम ने बोला लॉस बियर नहीं करेगा, और फिर मैंने ये बोला थर्ड पार्टी के लिए जिम्मेदार है टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस होता है ना उसमें ये लॉस शेयर नहीं करता, लेकिन अगर फर्म ही समाप्ति की कगार में आ गई तो इसका प्रॉफिट का हिस्सा बच नहीं पाएगा, उस साल इसका प्रॉफिट भी डूब जाएगा। ठीक है, सीधी सीधी तीन बातें हैं, प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस बियर नहीं करेगा, लायबल ओनली टू द शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट। ठीक है, दो फालतू के टाइप भी दे रखे हैं, इतना लिख लिया क्या, ये बताओ बेटा। हाँ, रिजर्व्स इस तरीके से यूजुअली क्रिएट करती नहीं है जो पार्टनर के प्रॉफिट से निकाले जाए, अपनी कंपनी थोड़ी ना है। एक्चुअली फर्म के अकाउंटिंग सर तुम्हें पढ़ाएंगे, मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ा रही हूँ, वो डिटेलिंग जो आपको पूछनी है वो मेरे को लगता है सर ज्यादा बेटर बता पाएंगे आपको। मैं ये कह रही थी यहाँ पे पार्टनर्स के टाइप में यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ बेटा। नेक्स्ट दो टाइप इसके अंदर आएंगे तुम्हारे, आउटगोइंग पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर। बकवास से पॉइंट दो जोड़े हैं इन्होंने, चलो पढ़ने तो पड़ेंगे। एक आएगा तुम्हारा आउटगोइंग पार्टनर और एक आएगा इनकमिंग पार्टनर। फर्म में जो नया पार्टनर आया उसको बोल देते हैं इनकमिंग पार्टनर, और जो पार्टनर फर्म छोड़ के चला गया उसको बोल देते हैं आउटगोइंग या रिटायरिंग पार्टनर। अब मुझे सोच के बताओ फर्म में नया पार्टनर कैसे एंटर कर सकता है, कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। एक फर्म में पांच पार्टनर है बेटा, ए बी सी डी ई, एफ ज्वाइन करना चाहता है इस फर्म को, तभी कर सकता है जब ये पांचों हां बोल दे, एक ने भी मना कर दिया ना नहीं आ सकता। ठीक है, और आउटगोइंग पार्टनर मतलब रिटायरिंग पार्टनर, जो फर्म छोड़ के जा रहा है, और अगर वो एक्टिव पार्टनर है तो उसको पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है, होता है कि नहीं होता बताओ। जो फर्म छोड़ के जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर जिसको बोलते हैं, अगर वो एक्टिव पार्टनर होता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है। ठीक है, एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो पॉइंट सिर्फ रीडिंग वाले हैं, एक जो अच्छे से याद करना है वो अब लेने जा रहे हैं, पार्टनर बाय एस्टॉपल या फिर पार्टनर बाय होल्डिंग अप, ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सेक्शन 28 है, एक बार कंफर्म कर लेंगे अपन।
पार्टनर बाय फोल्डिंग आउट, पार्टनर बाय एस्टोपेल, सेक्शन नंबर 28 लिख लो, याद रखना इसका सेक्शन, प्रैक्टिकल केस स्टडी भी आ सकती है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में एक क्वेश्चन जो बनता है वो इसी पे बनता है, बाकी तो सिर्फ पढ़ने वाले टॉपिक हैं। क्यों वो मान के चलता है, लोअर क्लासेस में बच्चे को इन चीजों का आइडिया होता है। पार्टनर बाय एस्टोपेल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट का मतलब लिखो क्या होता है, टू रिप्रेजेंट, होल्डिंग आउट मीन्स टू रिप्रेजेंट। पार्टनर बाय एस्टोपेल कौन होता है, जो अपने वर्ड्स या कंडक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट अदर्स, दैट ही इज अ पार्टनर इन द फर्म। But actually he is not a partner. He will be liable. He will be liable to the persons who believing on him invest money in the firm. पार्टनर बाय एस्टोपेल या फिर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पहले तो इसका मीनिंग देना, होल्डिंग आउट मीन्स टू रिप्रेजेंट। अ पार्टनर बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट रिप्रेजेंट अदर्स दैट ही इज अ पार्टनर इन द फर्म, एक्चुअली ही इज नॉट अ पार्टनर। ही विल बी लायबल टू द पर्संस हु बिलीविंग ऑन हिम इन्वेस्ट द मनी इन द फर्म। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इसका नाम आ रहा होगा? द आंसर इज नो, ही इज नॉट अ पार्टनर। एग्रीमेंट में इसका नाम नहीं आ रहा। इज ही लायबल टुवर्ड्स ऑल द थर्ड पार्टीज? नो, ही इज लायबल ओनली टुवर्ड्स देम, दोज हु बिलीविंग ऑन हिम इन्वेस्ट द मनी इन द फर्म। क्लियर है क्या बताओ? एक बंदा जो अपने वर्ड्स या कंडक्ट के थ्रू दूसरों को विश्वास दिलाता है कि वो एक फर्म का पार्टनर है, जबकि एक्चुअली वो पार्टनर है ही नहीं, तो वो एज अ पार्टनर जिम्मेदार माना जाएगा उन लोगों के लिए जो इसकी बात पे विश्वास करके फर्म में कैपिटल निवेश कर देते हैं। ठीक है, मैं दोनों चीजों का एग्जाम्पल दे रही हूं, एक तो दूंगी किसका, बाई वर्ड्स का, और एक दूंगी बाई कंडक्ट का। बाई वर्ड सुनो, कई लोग होते हैं बेटा जिनको लंबी लंबी फेंकने में मजा आता है, बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं, है ना? तो ऐसा ही एक इन्फ्लुएंशियल बंदा है, और ऐसे लोग यूजुअली इन्फ्लुएंशियल होते भी हैं, लोग उनकी बात को सुनते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक बंदा था, 10-15 लोगों के बीच में खड़ा हुआ था और बोलता है कि मैं तो एक बहुत फेमस फर्म का नाम लिया, बोला मैं तो इस फर्म का पार्टनर हूं। ठीक है, लोगों ने उसकी बात पे विश्वास करके क्या किया, उस फर्म में पैसे लगा दिए। अब किस्मत बुरी होती है तो सत्यम जैसी कंपनियां डूब जाती हैं। ये तो बेचारी फर्म थी, अब ये फर्म गई डूब। अब वो जिन लोगों को बोला था वो आ गए, भाई तू तो पार्टनर है ना, पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी, अनलिमिटेड, दो हमारा पैसा। अब क्या बोलता है, भाई मैं तो पार्टनर नहीं हूं। अपनी कही हुई बात से मुकर गया कि नहीं मुकरा, बताओ? तभी एस्टोपेल का रूल लगाएंगे, लगाएंगे ना? तो जिन लोगों ने उसकी बात पे विश्वास करके पैसे लगाए थे ना, उनके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। पार्टनर बाय एस्टोपेल, पार्टनर बाय होल्डिंग। जरूरी नहीं है कि उसका इरादा फ्रॉड करने का हो, कई बार ज्यादा बोलने की वजह से भी फंस जाते हैं, ये ज्यादा बोलने की वजह से फंस गया।
फ्रॉड का इरादा यहाँ पे प्रूव करना आपको जरूरी नहीं है, हम पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। और सुनो, बाई कंडक्ट का एग्जाम्पल, तीन बंदे रेस्टोरेंट में गए, ए बी और सी। ए ने बी से बोला, सी जो है ना वो मेरी फर्म में पार्टनर है, जबकि सी पार्टनर नहीं है, वो सिर्फ उसकी फर्म में मैनेजर है। सी चुप रहा, सी चुप रहा। वो चुप रहा तो बाई कंडक्ट बिलीव दिलवा रहा है बी को कि मैं तो पार्टनर हूं। भाई तू पार्टनर नहीं है तो तेरे को बोलना चाहिए ना कि आई एम नॉट द पार्टनर। ये तो पता ही है ना कि पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड। अब कल को पैसे वैसे नहीं मिले तो केस हमारे सी भाई साहब पे भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बाय कंडक्ट ही विल बी डीम्ड एज अ पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। एक और चीज जहां केस स्टडी बनती है वो चीज भी सुन लो। एक फर्म में चार पार्टनर ए बी सी डी, ए बी सी डी, डी हो गया रिटायर, डी हो गया रिटायर, लेकिन उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। एक फर्म में चार पार्टनर, एक पार्टनर रिटायर हो गया, एक्टिव पार्टनर है, लेकिन उसने रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया। अब वो अपने कंडक्ट के थ्रू आउटसाइडर्स को बिलीव दिला रहा है, आई एम स्टिल अ पार्टनर, यस और नो? ही विल बी लाइबल एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, एज अ पार्टनर बाय एस्टोपेल। केस स्टडी यही आती है कि एक बंदा रिटायर हो गया, पब्लिक नोटिस दिया नहीं, ठीक है, he will be liable as a partner by holding out or as a partner by estoppel। उसका नाम अभी भी फर्म के रिकॉर्ड्स में चल रहा है, लेटर हेड पे चल रहा है, पब्लिक नोटिस बंदे ने दिया नहीं। दूसरे बंदे तो यही समझेंगे ना अभी भी पार्टनर है, पब्लिक नोटिस देना चाहिए था ना, he will be considered as liable। क्लियर है क्या? बताओ बेटा, इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना बस। हाँ, कुछ पूछ रहा था कोई मुझसे शायद? नहीं, चलो आगे लेते हैं। एक्चुअली होता ये है यहाँ पर बेटा कि किसी का कोई रिश्तेदार है, कोई कुछ है, वो उसको ज्वाइन करवा देता है और उसका मेजर स्टेक है उस फर्म में, तो बाकी पार्टनर्स कुछ नहीं कह रहे। अदरवाइज बिना इंटरेस्ट के तो कोई उसको लेगा ही नहीं, नॉर्मली तो नहीं हो सकती ना वो चीजें। अब देखो, हमने जो टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़े हमको बहुत शॉर्ट में देगा ये, हमने थोड़ा डेप्थ में पढ़ा है, ये बहुत ही शॉर्ट में देगा। कुछ वर्ड्स का मीनिंग बताती जाऊंगी। एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, एक्चुअली यही पार्टनर की तरह काम करता है, तो एक्चुअल पार्टनर भी बोल देते हैं। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है विजिबल, भाई बाहर वालों को तो यही दिखाई देता है ना, काम तो यही करता है, तो बाहर वालों को तो यही दिखाई देता है, तो ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी बोला जाता है, विजिबल पार्टनर, बाहर वाले इसी को जानते हैं। एक बार ये दोनों पॉइंट पढ़ो। सिंपल है, कुछ भी नहीं था ना इसमें, इससे ज्यादा तो अपन पढ़ चुके। आई थिंक ए बिकम अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट, ये इसकी डेफिनेशन है, ये याद होना चाहिए। He actively participates in the conduct of the business, ये डेफिनेशन है किसकी? एक्टिव पार्टनर। He is an agent of all other partners in ordinary course of business, रिटायरमेंट में क्या देना जरूरी है? पब्लिक नोटिस, तभी अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो पाएगा। अब आ गया तुम्हारा स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर, नाम से ही पता चल रहा है सोता रहता है। हाँ, तीनों में देना पड़ता है। अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो तीनों जगह देगा, और रजिस्टर्ड नहीं है तो दो जगह देगा। हाँ, नहीं दिया तो प्रॉपर नहीं माना जाता, नहीं माना जाता। भाई देखो, तुमने रजिस्ट्रार को बता दिया, ऑफिशियल गजट में दे दिया, न्यूज़पेपर में नहीं दिया। हर बंदा ऑफिशियल गजट नहीं पढ़ता, आपको सब जगह देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि और वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, एंड है ये, तीनों जगह जाना चाहिए। अच्छा, क्या दिया? स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर, नाम से ही पता चलता है सोता रहता है, काम ये नहीं करेगा, है ना। ही डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये इसकी डेफिनेशन। नाम तो एग्रीमेंट में आएगा भाई, आएगा ना। स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर भी बोलते हैं। शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, लायबल टू अस द थर्ड पार्टीज, रिटायरमेंट में पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ा था? नो नीड टू गिव पब्लिक नोटिस इन केस ऑफ रिटायरमेंट। क्यों? बाहर वाले इसे जानते ही नहीं है, जो कंफ्यूजन होगा ये काम कहां करता है, इसने तो सिर्फ क्या लगाए हैं, पैसे लगाए हैं। नॉमिनल पार्टनर की बात करेंगे, अंडरलाइन करना, लैंड्स इज नेम टू द फर्म, लैंड्स इज नेम टू द फर्म, अपना नाम फर्म को उधारी पर देता है, जबकि फर्म में कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है।
नो रियल इंटरेस्ट इन द फर्म. ये पॉइंट पढ़ लो, इनको जोड़ के लिखा ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा. क्या लिखा है देखो, ही लेंड्स हिज नेम टू द फर्म. फर्म में कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है. प्रॉफिट शेयर नहीं करेगा. बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. फिर भी लायबल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज. एक पॉइंट तुम ऐड कर लेना, डज नॉट इन्वेस्ट कैपिटल. ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता. रियल इंटरेस्ट नहीं है उसमें, वैसे तो इंक्लूड हो गया ना, तो प्रॉफिट लॉस शेयर करेगा, ना ही बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा, ना ही कैपिटल इन्वेस्ट करेगा. फिर भी थर्ड पार्टी के लिए जिम्मेदार है, क्यों? इसका नाम आ रहा है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. जस्ट लर्न दिस चार्ट, कुछ नहीं करना तुम्हें. पहला प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस बियर नहीं करेगा, थर्ड पार्टी के लिए जिम्मेदार है ओनली टू द एक्ट ऑफ प्रॉफिट. ओनली टू द एक्ट ऑफ प्रॉफिट. दैट्स व्हाई आई सेड कि ये मेजर है. थर्ड पार्टी के लिए जिम्मेदार है ओनली टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट. इसका नाम एग्रीमेंट में आ रहा है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है दैट दिस पर्सन इज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. अगर नाम नहीं आता ना, वो थर्ड पार्टी के लिए कभी जिम्मेदार होता ही नहीं है. इनकमिंग पार्टनर क्या लिख रखा है देखो, नया पार्टनर जो आया है, हु इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म. कैसे आ सकता है? कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर. उसी को क्या बोल दिया? इनकमिंग. इसके एडमिशन से पहले फर्म में जो काम हुए उससे इसका लेना देना नहीं होता जनरली. क्या लिखा है? इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज एडमिशन. आउटगोइंग पार्टनर जो फर्म छोड़ के जा रहा है उस पार्टनर को बोलेंगे. ये जिम्मेदार बना रहेगा जब तक कि पब्लिक नोटिस ना दे दे. क्या मान के पॉइंट बनाया है? एक्टिव पार्टनर है ना. नेक्स्ट क्या बोला? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सेक्शन 28. इसको इंपॉर्टेंट लगाना. पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल, वेयर अ मैन होल्ड्स हिमसेल्फ एज अ पार्टनर. एक पर्सन खुद को रिप्रेजेंट करता है कि वो क्या है? पार्टनर. और अलाउज अदर टू डू इट बाय कंडक्ट, इज देन स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द करेक्टर ही हैज अज्यूम. तो उसे बाद में ये कहने से रोका जाएगा कि वो पार्टनर नहीं है. थोड़ा सा लैंग्वेज इजी आ रही है, आगे बोले लेना. क्या लिखा है देखो, अ पर्सन मे बाय हिमसेल्फ, या तो खुद अपने वर्ड्स के थ्रू या फिर अपने कंडक्ट के थ्रू दूसरों को इंड्यूस करता है, बिलीव दिलाता है. क्या है ये? पार्टनर. और ही मे हैव अलाउड द अदर्स टू रिप्रेजेंट हिम एज अ पार्टनर. खुद ने बताया तो बाय वर्ड्स हो गया, और दूसरों को रिप्रेजेंट करने दिया मतलब भाई कंडक्ट हो गया. ठीक है, दोनों ही केसेस में रिजल्ट सेम रहेगा, ही विल बी डीम्ड एज पार्टनर बाय एस्टॉपल. ठीक है, क्या चीजें दी हुई है देखो, व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ मतलब बाय वर्ड्स, नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन द फर्म दैट इज बाय कंडक्ट. इनफैक्ट ही इज नॉट अ partner, he is liable like a partner in the firm to anyone who on the faith of such representation has given credit to the firm. जो इसकी बात पे विश्वास करके फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट कर देते हैं उनके लिए जिम्मेदार माना जाएगा. ये एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, एक बार पढ़ना. एग्जाम्पल नंबर 4 बाय कंडक्ट का एग्जाम्पल. रीडिंग लगाओ बेटा इसकी एक बार. अच्छा अपन आगे कल लेंगे, देखो टाइम ओवर हो गया है, यहां तक कर लो तुम, है ना. मैम नोट्स का मैटर पीडीएफ से भी लेना है क्या? तुम ले सकते हो बेटा, उसमें वो चीज थोड़ी सी डिटेल में मिलेगी आपको, और तो क्या है. अच्छा है, आप वहां से भी ले सकते हो. ठीक है, मैं तो बस लिखवाने के चक्कर में लिखवा रही हूँ, अदरवाइज पीडीएफ में भी बेटा दिया हुआ है लक्ष्य, आप वहां से भी ले सकते हो. ठीक है, किसी की कोई क्वेरी है तो बेटा पूछो, अदरवाइज फिर अपन कल लेते हैं. थोड़ा टाइम एक्सीड हो गया तो
क्वेरीज भी आई थिंक अपन कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा ना. ओके एवरीवन, ठीक है लक्ष्य, सुरभि, गायत्री, एनीवन, ओके.